Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. This is Dr. Ahteshamul of Siddiqui from Jamia Tibbiya Deoband. जैसा आप सबको मालूम है कि आज पूरा मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया एक वबाई बीमारी की गिरफ्त में आई हुई है जिसको हम COVID-19 के नाम से अब जान पहचान रहे हैं. ये नया वायरस है और इसके ज़रिए पैदा हुई नई बीमारी है. अभी इस वायरस के बारे में तहकीकात हो रही हैं लेकिन हमारी दुनिया इससे अभी पूरी तरीके से नावाकिफ़ है, उसकी पूरी जानकारी दुनिया के पास नहीं है. तो ऐसी हालत में जाहिर है कि इलाज के वो तरीके जो कारगर हो सकते हैं उतने कारगर तरीके भी अभी हमारी तहकीक के अंदर कहीं साबित नहीं हो पाए हैं, तहकीक जारी है. तो जब तक ये आलम है उस वक्त तक इस बीमारी की, इस महामारी की, इस पेंडेमिक की गिरफ्त से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका उससे प्रिवेंशन का है, उससे बचाव का है कि हम वो तमाम तदाबीर, वो तमाम प्रोसीजर्स इख्तियार करें कि इसकी गिरफ्त में आने से हम बचे रहें. सबसे अहम और सबसे कारगर तरीका इस सिलसिले के अंदर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का है. सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स आपस में कुछ दूरी बना के रखना. अब कुछ को अगर डिफाइन किया जाए तो उमूमन एक मीटर कहा जाता है कि एक मीटर का डिस्टेंस हो, और आम जुबान के अंदर अगर आम लोगों को हम समझाने के लिए कहें तो दो हाथ की दूरी, ये सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर आती है. यानी ये यहाँ से और यहाँ तक की ये दो हाथ की दो दफ़ा इसको नापा जाए, इतनी दूरी के ऊपर एक दूसरे से हम रहें. तो ये फिज़िकल डिस्टेंस होना चाहिए, यानी एक आदमी और दूसरे शख्स के अंदर इतनी दूरी रहनी चाहिए. तो ये समझा जाता है कि इसका वायरस जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगा. अगर कोई दूसरा आदमी खुदा ना खास्ता बीमार है, इसके वायरस की गिरफ्त में है, तो उसका वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा. सोशल डिस्टेंसिंग को, इसकी अहमियत को और इसको अगर हम समझ जाएँ तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि कोई फोर्स लगाई जाए, फोर्सली आपको यह कहा जाए कि आप घर के अंदर रहिए, या फोर्सली आपको यह कहा जाए कि आप क्लस्टर ना लगाइए, भीड़ ना लगाइए, बाहर मत निकलिए. जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके तहफ्फुज़ के लिए, आपके बचाव के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग कहना ज़्यादा सही होगा, एक वजूद से दूसरे वजूद के दरमियान इतनी दूरी होनी चाहिए ताकि आप बचे रहें, तो फिर आप खुद ही इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम एक दूसरे से इतनी दूरी के ऊपर रहें. फिर फोर्सली भी ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आप अलग अलग हो जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग पे बैठिए, भीड़ मत लगाइए, एक जगह इकट्ठे मत होइए, घर के अंदर रहिए. तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इसको समझते हैं और इस अहमियत को समझते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप और आपके ख़ानदान वाले, आपके मिलने जुलने वाले, आपके तमाम दोस्त अहबाब, तमाम मुतालिकीन आपके इस बीमारी की गिरफ्त से महफूज रहें, तो बराए करम सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाइए, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को अपनाइए. शुक्रिया.